हेलो दोस्तों, लश्ट्यूट में आपका स्वागत है। इस सत्र में मैं आपको बताऊंगी कि क्लिनोमीटर का उपयोग करके कैसे हम लंबी वस्तु की ऊंचाई को माप सकते हैं। तो पहले आप लंबी वस्तु से दूर खड़े हो जाइए, फिर लंबी वस्तु के आधार से उस बिंदु तक जहां पर आप खड़े हैं उसकी दूरी माप लीजिए। अब यहां पर हम इस फ्लैग पोल की ऊंचाई को मापने जा रहे हैं। तो पहले हम अपने हाथ में क्लिनोमीटर लेंगे और वस्तु के अंतिम छोर का पता लगाएं। एक बार जब आप स्ट्रॉ के माध्यम से वस्तु के अंतिम छोर पर स्थित हो जाएं, तो क्लिनोमीटर को स्थिर होने दीजिए। जब एक बार यह स्थिर हो जाता है तो क्लिनोमीटर पर मान को रिकॉर्ड करें, जहां पर स्ट्रिंग क्लिनोमीटर पर स्केल को छू लेती है। इसलिए यहाँ पर मुझे ओनियन कोड यानी ऊंचाई का कोड 45 अंश मिला। अब जब हमने फ्लैग पोल की ऊंचाई के कोड को रिकॉर्ड किया है, तो अब हम फ्लैग पोल की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। फ्लैग पोल की पूरी ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी आंख के स्तर के ऊपर के खंभे यानी फ्लैग पोल की ऊंचाई ज्ञात करने की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने अपने आप को फ्लैग पोल के आधार से 5 मीटर दूर रखा है। तो यदि हम इस दूरी को स्मॉल l मानते हैं तो l बराबर 5 मीटर होगा। अब हमारी आंख के स्तर के ऊपर की तरफ के फ्लैग पोल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र tan x बराबर h बटे l का उपयोग करेंगे, जहां पर स्मॉल h फ्लैग पोल की ऊंचाई है और स्मॉल l आपके और फ्लैग पोल के बीच की दूरी है। l को बाएं पक्ष में लेने पर हमें h बराबर tan x गुणे 1 मिलेगा, और हमें पहले से ही पता है कि tan 45 का मान 1 होता है और स्मॉल l 5 मीटर है। तो इन मानों को समीकरण में रखने पर हमें h बराबर 1 गुणे 5 मिला, अर्थात h का मान 5 मीटर मिला। अब हम पूरे फ्लैग पोल की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। पूरे फ्लैग पोल की ऊंचाई हमें कैपिटल H बराबर स्मॉल h प्लस स्मॉल d से मिलेगा। हमने पहले से ही स्मॉल h का मान ज्ञात कर लिया है। d यहाँ पर जमीन से हमारी आंख के स्तर तक की ऊंचाई है। तो इन मानों को इस समीकरण में रखने पर हमें कैपिटल H बराबर 5 × 1.65 मिलेगा, जो कि 6.65 के बराबर है। तो इस प्रकार से हमें फ्लैग पोल की ऊंचाई 6.65 मीटर मिली। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा और ये एक्टिविटी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई डाउट या प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, हमारा चैनल लश्ट्यूट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आप कोई भी वीडियो या कोई भी अपडेट कभी मिस ना करें।